आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है DLED फर्स्ट सेमेस्टर साइंस का MCQ। ठीक है, साइंस का आपका MCQ है DLED फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, या BTC फर्स्ट सेमेस्टर। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। MCQ सारा करा रहे हैं गाइस, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको MCQ का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा जो आता है एग्ज़ाम में। साइंस का 26 क्वेश्चन लिया है मैंने, 5 MCQ आते हैं साइंस से। यहाँ से लगभग आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मिनिमम 4 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे 5 में से। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है। तो क्षेत्रफल का मात्रक पूछा है गाइस यहाँ, और क्षेत्रफल का फार्मूला ही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन तल कह रहा है और हमारा तल क्या होता है, आयत होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई भी आपका क्या हो जाएगा, मीटर में इंटू मीटर। तो आपका हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसी को हम कहते हैं वर्ग मीटर। ठीक है, मीटर का वर्ग। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाइस, घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव्य से पृथक करना है, तो कौन सी विधि हम अपनाएंगे। यहाँ पहला दिया है निथारना, वाष्पीकरण, तल छटीकरण, छानना। मतलब कोई भी पदार्थ जो है आपका घुल गया है किसी चीज़ में, द्रव में, तो उसको कैसे अलग करेंगे। तो हम इसको अलग करते हैं वाष्पीकरण द्वारा, क्योंकि जब भी उसको हम गर्म करेंगे तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, और जो आपका पदार्थ होगा वो क्या हो जाएगा, वहीं में कंटेनर में आपका रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, थर्ड नंबर कह रहा है, किसी निम्न में से यौगिक हैं। तो सबसे पहले आप समझिए यौगिक क्या होते हैं। जो यौगिक होते हैं वो तत्वों का समूह होता है, दो से अधिक तत्व होने चाहिए, दो से अधिक तत्वों के समूह को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, आपका ये यौगिक। तो देखिए, सोना तो बस सिंगल धातु है आपका, पीतल भी सिंगल धातु है, चांदी भी अकेला है, जल आपका जो है ये आपका यौगिक हो जाएगा, क्योंकि जल के का फार्मूला क्या होता है, H2O। यहाँ क्या है, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, इसलिए क्या है, दो क्या है आपके तत्वों का समूह है। कहते हैं यौगिक क्या होता है, दो तत्व हो या दो से अधिक तत्व हो वो यौगिक होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका, ये जल, वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। इसका कहने का मतलब है, जो मछली पानी में रहती है तो वो किस कारण पानी में रह पाती है, ऐसा उसमें क्या चीज़ें होता है। तो उसमें से 4 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो पानी में सर्वाइव कर पाती है। पहला तत्व होता है धारा रेखीय शरीर, तो ये हमारा इसी की वजह से सर्वाइव कर पाती है। धारा रेखीय शरीर वो होता है जो बीच में चौड़ा होता है और दोनों किनारे पर पतला होता है, इसलिए मछलियाँ क्या होती हैं, सर्वाइव कर पाती हैं। दूसरा आपका है पंख, जिसके वजह से वो तैर पाती हैं। और तीसरा होता है ये आपका ये तीसरा होता है गलफड़ा, इसे सांस लेती हैं।
तो ये तो तीनों जरूरी चीज़ें हैं, गलफड़े, पंख, धारा रेखी, ये कह रहे क्या जरूरी नहीं है, तो फेफड़ा आपका जरूरी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ये कहा है क्या जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइव नंबर, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड किस पद्धति में होता है। तो गाइज जितने भी चीज़ों को जिसमें मापते हैं तौलते हैं उसकी बहुत सारे पद्धतियाँ होती हैं, के MKS पद्धति है, ठीक है, SI पद्धति है, तो ऐसे करके इसमें कह रहा है FPS पद्धति है, CGS पद्धति है। तो कह रहा है कि जो लंबाई है इसका मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक KG और समय का मात्रक सेकेंड इस किस पद्धति में लेते हैं, तो हमारा वो MKS पद्धति में इसको लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पत्ती का रूपांतरण है, मतलब कह रहा है ना कि जो पत्ती होती है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है आपका पत्र पकलिका, दूसरा शल्क कंद, तीसरा पर्थ थैली और चौथा पुर्ली मूल। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन नंबर, दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है, मतलब दौड़ने के लिए सबसे अच्छा कौन सा इसमें प्राणी है। तो ये ऑप्शन नंबर का बी है एंटीलोप। याद रखिएगा सब सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर का हाइस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोड का मात्रक क्या होता है, तो कोड का मात्रक गाइस रेडियन होता है, जैसे कि लंबाई का मात्रक आपका मीटर होता है और द्रव्यमान का आपका किलोग्राम होता है, ठीक है। वैसे ही आपको कह रहा है कि कोड जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, इस तो रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है, कह रहा है कि वो कौन सा पेड़ है जिसमें उत्तेजनशील दिखता है, तो वो आपका है छुई मूल का पौधा, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। क्योंकि इसको इसके पास जब भी आप जाएंगे उंगलियाँ उनके पास रखेंगे तो अपने आप वो हट जाता है उस स्थान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है, किसी द्रव का गैसीय अवस्था में बदल जाना उसे क्या कहते हैं। अगर कोई गैस द्रव है, वाटर ले लीजिए लिक्विड फॉर्म में, तो वो गैस में बदल जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं वाष्पन। वाष्पन मतलब क्या, भाप बन के उड़ गया, पानी जो है भाप बन जाना, उसी को हम क्या कहते हैं वाष्पन कहते हैं। तो गैस अवस्था में हो जाएगा जब भाप बन जाएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो मतलब प्रवर्धन मतलब कि वो क्या कहते हैं, जनन एक प्रकार का ये मेथड होता है, तो ये उसमें पत्तियों द्वारा ही प्रवर्धन हो जाता है। जैसे कि हम कभी कभी प्लांट लगाते हैं तो डायरेक्ट सीड लगा देते हैं बीज, तभी नया प्लांट बन जाता है, तो ऐसे ही बहुत सारे पौधों में मेथड होते हैं उनका नया पौधा बनने के लिए। तो एक मेथड होता है पत्तियों द्वारा, पत्ती के द्वारा ही पौधा बन जाना, तो उसको हम कहते हैं ब्रायोफिल्स होता है, एक प्लांट है उसमें होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है, मतलब कि मछली जो होती है वो किससे श्वास या सांस लेती है, तो वो गलफड़ा से लेती है, ठीक है गाइस। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा गलफड़ा, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, एक गज बराबर होता है, तो गाइस एक गज बराबर आपको 3 फुट होता है, इसको याद रखिएगा फुट में बताना है, तो एक गज बराबर आपका होता है 3 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन 1240 नंबर कह रहा है घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव्य से पृथक करने की विधि है,
मतलब जो भी ठोस थे और द्रव्य में क्या है घुले हुए हैं, तो उसको हम किससे अलग करेंगे? तो गाइज वो मेथड होता है हमारा वाष्पन विधि द्वारा। जैसे वाटर में कोई आपका वो चीनी या आपका नमक घोल दीजिए और उसके बाद उसको हम घोल को गर्म करेंगे तो पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन जो फिर नीचे आपको क्या मिल जाएगा, क्या कहते हैं चीनी या आपका नमक, तो इसी विधि को हम क्या वाष्पन विधि कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल कौन सा है? तो गाइस बल कई सारे टाइप्स के होते हैं, ये एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है 2 नंबर में कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो बल बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, पेशीय बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया, ठीक है। तो इसमें एक है कह रहा है कि वो पेशीय बल भी एक हो गया, तो पेशीय बल उसे कहते हैं जो अपने हम अपने अपने शरीर से वर्क करते हैं, उसे हम पेशीय बल कहा जाता है। जैसे हम अपने हाथों से कुछ सामान को उठा रहे हैं तो वह पहलवान भी क्या करता है भार को उठाता है, तो वो पेशीय बल हो गया। या सही हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ बता देते हैं विद्युत बल, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये जब इलेक्ट्रिक अपना फोर्स लगाता है वो, तो वो उसको इलेक्ट्रिक फोर्सेस कहते हैं। चुंबकीय बल, चुंबक क्या करता है लोहों को अपनी तरफ खींच लेता है, तो उसका भी एक फोर्स है, और आपका पेशीय बल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचना है का नाम क्या है? जो चना का बीज होता है ना, उसका उसको तोड़ेंगे आप तो हल्के पीले रंग की संरचना बनी होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं बीज पत्र। नेक्स्ट गाइस, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। एमसीक्यू का सारे आपके एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 17, ये कह रहा है, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? जैसे कि हम दही से मक्खन निकालते हैं, वो किस विधि से निकालते हैं, उसे हम अपकेंद्रण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, कह रहा है, सुसुप्त पौधा कौन सा है? सुसुप्त मतलब सोया हुआ पौधा, तो हम बीज को कहते हैं, क्योंकि बीज को जब तक हम नमी ना दें, उसको वाटर ना दें, आपको एयर क्या कहते हैं सनलाइट ना दे, तब तक वो क्या करता है पौधा में कन्वर्ट नहीं होता है, वो सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, इसलिए हम बीज को क्या कहते हैं सुसुप्त पौधा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, एक फुट के बराबर होता है, तो एक फुट को आपको सेंटीमीटर में काउंट करना है, तो एक फुट बराबर होता है आपका 30.48 सेंटीमीटर का। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, सारे पीछे पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया का नियम है? तो गाइस न्यूटन ने 3 नियम बताए थे, न्यूटन ने 3 नियम बताए। पहला कहता है आपका जड़त्व का नियम, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, या न्यूटन का फर्स्ट नियम कि कोई भी वस्तु अगर आपका गतिशील अवस्था में है या कोई भी वस्तु आपका विरामावस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहने का प्रयत्न करती है जब तक उस पर हम अलग से बल नहीं लगाते हैं। ये पहला था। दूसरा कहता है आपका जो फोर्स होता है F, वो M इंटू A के बराबर होता है, मतलब फोर्स बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, M यहाँ द्रव्यमान है और A आपका त्वरण है। और थर्ड होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो यही पूछा है गाइस कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है, तो थर्ड वाला, थर्ड नियम आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब होता है गाइस कि अगर कोई भी एक्शन होता है या कोई भी हम
क्रिया करते हैं तो उसके अपोजिट में ना उसी के बराबर एक प्रतिक्रिया होती है, उसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे कि हम कहीं ट्रेवल करते हैं बस वगैरह में तो ब्रेक लगता है तो गाड़ी अचानक से रुक जाती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। हम आगे की तरफ इसलिए झुकते हैं कि जो हमारे साथ क्रिया हुई थी बस रुका है उसको बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है बल की इकाई क्या है, मतलब बल को हम किस चीज़ यूनिट में मेजर करते हैं। तो अब डाइन, आपका बल का मात्रक बहुत सारा होता है लेकिन इस ऑप्शन में एक दिया है डाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, कह रहा है फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है, मतलब फल जब पेड़ से गिरता है तो किस बल से पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, तो जो पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है उसके बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं, ठीक है। और चुंबक के बल पता है आपको, चुंबक जिस बल से लोहे को अपनी तरफ खींचता है वो चुंबकीय बल हो गया। घर्षण बल मतलब जो दो सतहों के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। और पेशीय बल भी ऑप्शन में अभी ऊपर क्वेश्चन में आया था, जब हम खुद वर्क करते हैं हमारे हाथों से जो वर्क होता है वो पेशीय बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है, कह रहा है कि लोहे को और बालू को मिला दीजिए, बालू का छीलन को, तो हम ना जो बालू का छीलन है उसको कैसे अलग करेंगे, सॉरी लोहे की जो छीलन है वो बालू से कैसे अलग करेंगे, कौन सी विधि है। तो विधि आपकी होगी चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, क्योंकि चुंबक को उसके पास ले जाएंगे तो लोहे को क्या करेगा, मतलब खींच लेगा और बालू को छोड़ देगा, जिससे क्या हो जाएगी, चुंबक की जो छीलन है अलग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24, क्या कह रहा है, पति द्वारा जनक होता है, मतलब जनक होता है जो वो कौन सा प्लांट है जो मतलब पत्ती से ही निकल जाता है, कुछ तो बीज से निकलते हैं, कुछ उनके टहनियों से निकलते हैं, टहनी काट के लगा दीजिए, जैसे गुलाब का फूल है पेड़ है लगाना है आपको प्लांट तो उसको टहनी काटते हैं और कलम करके लगा देते हैं तो वहाँ से निकल जाता है, कुछ तो डायरेक्ट हम उनको सीड लगा देते हैं बीज तो निकल जाता है, लेकिन पत्ती द्वारा जनक होता है जिसको पत्ती लगाने पर हो जाता है तो अजूबा प्लांट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, उभयचर जंतु क्या है, उभयचर जंतु इसमें कौन सा है। गाइस तो आपको पता होगा उभयचर मतलब कि जो जल और थल दोनों पे रहते हैं, मतलब कि जल और आपके ज़मीन पे रहते हैं, वो कौन सा जंतु है, तो मेंढक गाइस जल में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। मछली तो वो पता ही बस पानी में रहती है, चिड़िया बस वो भी पानी में रहती बस ज़मीन पे या आकाश में उड़ती है, कुत्ता भी पानी नहीं सर्वाइव कर सकता, तो क्वेश्चन नंबर हमारा मेंढक सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यमान का मात्रक क्या है, मतलब द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, तो हम द्रव्यमान को गाइस किलोग्राम में मापते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका बी सही है, ठीक है। और न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, एक बल का मात्रक ऊपर आया डाइन था और दूसरा बल का मात्रक आपका न्यूटन है, तो न्यूटन जो बल का मात्रक है वो एसआई पद्धति में है आपके, ठीक है। और ये जो किलोग्राम है डाइन है वो एमकेएस पद्धति में है, तो यहाँ दोनों नहीं दिया है, एक ही ऑप्शन दिया है, तो आप क्या करेंगे, न्यूटन मारेंगे, लेकिन यहाँ आपका द्रव्यमान से पूछा है, द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम ही होता है, लेकिन बल का कई सारे होते हैं, डाइन होता है, ठीक है, न्यूटन होता है, तो ऑप्शन में सारा नहीं देगा, एक ही देगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का एमसीक्यू क्वेश्चन साइंस का जो मैंने लिया था 26। साइंस में गाइस आपके 5 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू से, तो आप इन सारे क्वेश्चन को लर्न कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा,
यहाँ से आपके आउट ऑफ फाइव में से फोर क्वेश्चन मिल जाएंगे, मिनिमम को मिल ही जाएंगे फोर, नहीं तो फाइव भी मिल सकते हैं। तो गाइस इसे याद रखिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। टेक केयर, बाय।